हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग निकले हैं बाहर घूमने के लिए और जा रहे हैं मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस इन दुबई, विच इज़ ग्लोबल विलेज। तो आज हम लोग इफ्तारी भी ग्लोबल विलेज में ही करने वाले हैं। ये पहली बार है कि हम लोग रमज़ान के टाइम ग्लोबल विलेज जा रहे हैं, इससे पहले तो नॉर्मल टाइम्स में ही जाया करते थे। तो इस बार ग्लोबल विलेज में इफ्तारी कैसे करेंगे ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो लेट्स गो एंड सी। तो आ गए हम लोग गाड़ी को पार्क करके और अभी टाइम हुआ है शाम के 5:30 और इफ्तारी में एक घंटा और है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं यहाँ का नज़ारा क्या और कैसे है करके। हम लोग अभी टिकट लेने के लिए यहाँ पे रुके थे और इधर भीड़ देखिए गाइस कितनी है, अंदर एंटर होने के लिए भी कितनी लंबी लाइन है। तो एंटर हो चुके हैं हम लोग फाइनली और देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का सब कुछ। एंट्रेंस में ही ये बैलून वाला आदमी खड़ा था तो मिन्हा की एक्साइटमेंट तो देखिए बैलून्स को देखने के बाद। सो वी गॉट हर अ बैलून। और यहाँ पे देखिए कितना क्राउड है, बहुत पब्लिक थी अंदर के तरफ भी। शायद वीकेंड था और रमज़ान है इसलिए बहुत ही ज़्यादा रश था। हम लोग जैसे ही एंटर हो रहे थे तो मगरिब का टाइम था तो सब स्टोर्स पे लाइट्स भी चालू हो गई थी। ये रहा अंदर का नज़ारा, दूर दूर तक आपको सिर्फ रौनक ही रौनक दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो भी सनसेट के टाइम पे। ग्लोबल विलेज हमेशा से मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस होता है दुबई में घूमने के लिए और ये पूरे साल में सिर्फ 6 महीने ही ओपन रहता है और 6 महीने क्लोज रहता है। तो ये वाला सीज़न में मेरा ये एक्चुअली 3rd विज़िट है। इतना मज़ा आता है मुझे यहाँ पर आने के लिए। ये है कुवैत का पेविलियन। यहाँ पे एक्चुअली 26 डिफरेंट कंट्रीज़ के पेविलियंस बनाए हैं एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ फूड स्टॉल्स भी हैं विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड क्यूजीन। एंड यहाँ का ओपनिंग टाइम्स है इवनिंग के 4 PM से लेके रात के 1 AM तक, और अभी जब रमज़ान है तो यहाँ का टाइमिंग्स 1 AM से 2 AM कर दिया है। और ये है टर्की का पेविलियन। इतना रश देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएंगे इफ्तारी के लिए और उसके बाद आराम से घूमेंगे। तो आ गए थे हम लोग ये पर्शियन कबाब रेस्टोरेंट में। ये रही हमारी इफ्तारी। हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, फ्रूट्स लिया था, जूस एंड देन अरबिक शवरमा लेके इफ्तारी कर ली थी और निकल गए थे फिर से घूमने के लिए। तो देखिए शाम के वक्त का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, हर जगह सिर्फ लाइटिंग ही है। इस बार तो अल्लाह के फजल से उतनी गर्मी नहीं थी, रमज़ान का महीना अच्छे से जा रहा था यहाँ दुबई में। तो ये है सबसे पहला पेविलियन जो हमने एंटर किया था, ये है अमेरिकन पेविलियन। और यहाँ सब अमेरिका की स्पेशलिटीज़ के स्टोर्स हैं, क्लोथिंग, एक्सेसरीज़, क्यूजींस और सब कुछ।
देन वहाँ से निकल के नेक्स्ट हम लोग आ गए थे रोड ऑफ एशिया पे, और यहाँ पे भी हर एक चीज़ के स्टोर्स हैं, जैसे कि क्लोथिंग्स, एक्सेसरीज, स्पाइसेस, हैंडक्राफ्ट, फूड। रोड ऑफ एशिया से कनेक्ट होके ही चाइना का पेविलियन है, तो हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया है। चाइना का पेविलियन में भी बहुत सारे स्टोर्स हैं कपड़ों के ज़्यादातर, और मुझे यहाँ के कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, कॉट सेट्स, और ख़ासकर बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स, तो मैं यहाँ पर वही देख रही थी। देन वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे ये फूड स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट देखिए कितनी लंबी है, और यहाँ पे सिर्फ फूड के स्टॉल्स हैं, तो हमने यहाँ पे एंट्रेंस में ही खड़ के आइसक्रीम ले लिया। इधर देखिए मिन्हा इतनी शरारती हो गई है अभी कि इसको अभी हाथ भी नहीं पकड़ना पसंद है, खुद ही से अकेली चलना चाहती है। इधर देखिए भाग रही है, पहले तो सिर्फ चलती थी, अभी भागना भी सीख गई है, तो हाथ छुड़ा के सिर्फ भागती रहती है। मुझे या हस्बैंड को हर वक्त उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते रहना पड़ता है, और इतनी भीड़ भी थी तो हर वक्त उसके पीछे पीछे भाग रहे थे हम लोग। इधर देखिए बाय भी करती हुई जा रही है। और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट इंडियन पेविलियन पे, और ये पेविलियन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ूबसूरत बनाया है, और यहाँ पे भी स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं अंदर, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको कपड़ों के स्टॉल्स मिल जाएंगे, कश्मीर के कपड़े हो गए, देन हमारे जयपुरी राजस्थान के कपड़े हो गए, रेडीमेड सूट्स भी मिल जाते हैं, और फैब्रिक के स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये है शूज़ की शॉप, यहाँ पे मोजरीज मिलते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग जो शादी में पहनते हैं इंडिया में पोटली बैग्स, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देखिए ये जयपुर के हैंडवर्क कलेक्शन है, और यहाँ पे ये एक्सेसरीज़ का शॉप था, और यहाँ पे कुछ सेल चल रहा था ऑल आइटम्स फॉर 5 dirhams एंड 10 dirhams करके, और यहाँ पे क्राउड भी देखिए कितना ज़्यादा है, आपको सारे बैंगल्स, झुमकीज और आर्टिफिशियल नेक पीसेस सब मिल रहा था 5 और 10 dirhams में। जैसे इंडिया के पेविलियन से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इंडियन चैट स्ट्रीट है, और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे देखिए फायरवर्क्स भी हो रहे थे, मज़ा आ गया एक्चुअली ये सब देखने के लिए, यहाँ का रमज़ान का बाहर ही कुछ अलग था। उसके बाद हम लोग आ गए थे इजिप्ट पेविलियन में, तो चलिए यहाँ का आपको एक्सपीरियंस कराती हूँ।
ये पेविलियन भी अच्छा बड़ा है और ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेविलियन है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर आपको क्लोथिंग ही ज़्यादा मिलेगा, लेडीज़ के अबायास हैं, हिजाब्स हैं, देन मेंस के वो कंदूरास हैं, देन वहाँ के हैंडक्राफ्ट आइटम्स हैं, शो पीसेस हैं। और ये देखिए वहाँ के कॉस्ट्यूम्स, हम लोग ये ज़्यादातर बेली डांसर्स को देखते हैं पहनते हुए। और ये है फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट का मतलब ये है कि यहाँ पे पानी पे सब कुछ स्टॉल्स बनाए हुए हैं और सारे फूड के स्टॉल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी है और ऊपर बोट्स जैसे हैं, हर एक बोट्स पे फूड का स्टॉल है और हर एक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड हैं। देन ये है पाकिस्तान का पेविलियन और यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं, खास करके कपड़े। और ज़्यादातर कपड़े के ही स्टोर्स हैं यहाँ पे, सारे पाकिस्तानी के रेडी सूट्स हैं, देन फैब्रिक के भी स्टोर्स हैं, फैब्रिक के स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लेन फैब्रिक्स, प्रिंटेड फैब्रिक्स और वर्क के फैब्रिक्स भी बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। और ये है टर्की का पेविलियन और यहाँ पे देखिए एंट्रेंस में ही वो टर्किश की फेमस आइसक्रीम का स्टोर्स हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। देन यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, डेट्स एंड यहाँ के कपड़े भी बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। एंड देन यहाँ के आइटिनरीज, देन हैंडक्राफ्ट की चीज़ें भी बहुत अच्छी रहती हैं। और ये है सऊदी का पेविलियन और ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। एंड देन यहाँ पे ज़्यादातर आपको अबाया के स्टोर्स, परफ्यूम के स्टोर्स, यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स एंड देन कुछ थोड़े बहुत कपड़ों के स्टोर्स हैं।
और ये देखें यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि ये कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ के कैसे बनाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। इधर देखिए, यहाँ सिर्फ शॉपिंग और फूड का ही नहीं, और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी बनाए हुए हैं, टिकट लेके आप गेम्स खेल सकते हैं, और अगर आप जीतेंगे तो आपको बहुत सारे गुडीज़ और सॉफ्ट टॉयज़ भी मिलेंगे। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे राइड्स भी हैं बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और देन यहाँ पे छोटा सा म्यूज़ियम भी है, हॉन्टेड हाउस भी है, और एंटरटेनमेंट का भरपूर मज़ा है यहाँ पे। कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ही बड़ा है, बहुत चलना पड़ेगा आपको, एक दिन में आप सब कुछ आराम से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइव शोज़ भी बहुत सारे होते हैं, ये देखिए। यहाँ की एंट्री टिकट अभी तो रमज़ान के टाइम में 25 दिरहम्स है, पहले तो 15 दिरहम्स होया करती थी, लेकिन 25 दिरहम्स इज़ स्टिल वर्थ वॉचिंग इट, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने करने के लिए। और अभी टाइम हुआ था 10:30, तो हम लोग डिनर के लिए वापस से वही रेस्टोरेंट आ गए थे। तो हो गया हमारा घूम फिर के, खा पी के, और अभी हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप भी दुबई में हैं या कभी दुबई विज़िट पर भी आते हैं, तो एक बार ग्लोबल विलेज विज़िट करना मस्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तो ये सीज़न एंड होने वाला है, 29 अप्रैल को ये क्लोज़ हो जाएगा, और फिर इसका नेक्स्ट सीज़न साल के एंड, दैट इज़ अक्टूबर में ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये रहा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।